फॉर कमिंग। अरे यार थैंक यू माहिर इसको लाने के लिए। सिर्फ तुम्हारी दादी की फरमाइश की वजह से लेकर आया हूँ इसको, पर अपनी दादी से कह देना कि आज के बाद ऐसी बेतुकी फरमाइशें ना करें। वो एक्चुअली सालिक की मदर अचानक से आ गई है और उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है, इसलिए थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्या 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 मतलब? नहीं भाई नहीं, मैं मजाक में भी ना ये रिश्ता रखने के मूड में नहीं हूँ। क्या सोचेंगे वो लोग, इतनी अच्छी लड़की इतनी गंदी चॉइस। ओ हेलो, क्या गंदी चॉइस? प्लीज रानिया, प्लीज यार, मेरी खातिर आज सुबह भी दादी से तुम्हारी तारीफ कर रही थी यार। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम सिंगल हो तो वो डेफिनेटली तुम्हें चूज करेंगे मेरी जगह। मेरा घर बचा लो यार। माहिर समझाओ ना यार तुम इसे। ओके, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ना पी लूंगा मैं ये जहर का प्याला। तो सोच की उल्टी आ रही है, अजीब दिल खराब हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही खराब हो रहे हैं। इस जैसे इंसान से रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि मुझे सजाए मौत सुना दी जाए। सुना दो उसको सजाए मौत। रानिया प्लीज मेरी खातिर यार, कौन सा तुम सच में मंगेतर बन जाओगी इसकी? अल्लाह ना करे, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे। समझा लो उसको। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये कड़वा घूंट पी लूंगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझे ड्रामा नहीं होगा। पक्का रानिया, नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अब एक काम करो, ये लो, तुम दोनों एक दूसरे को पहना दो। क्या ये भी करना पड़ेगा? ये अंगूठी मुझे इसको पहनानी पड़ेगी। ये मैं क्या करूं यार, मंगेतर बनने के लिए ये पहननी तो पड़ेगी ना। प्लीज माहिर पहना दो। दिल पे पत्थर रख के करना पड़ेगा। थैंक यू। आता क्या करो? किधर हाथ देखो, जैसे दो इधर आते हैं क्या? अदरक ये देखो, कितनी बड़ी जाहिल है, इसको ये ही नहीं पता कि मंगनी वाली अंगूठी कहाँ पहनाते हैं। देखो अंगूठे में पहना रही। आम जैसे अंगूठा छाप को ना इधर ही पहनानी चाहिए। अच्छा मैं अंगूठा छाप, और तुम तो जैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की डीन हो ना। आपसे तो ज्यादा ही अक्लमंद हूँ यार। ये नीचे हाथ नीचे, ठीक कर लो प्लीज, अपना मूड ठीक करो, वो लोग वेट करें। अब चलो प्लीज, लड़े बगैर आ जाओ। क्या स्टैचू बन के क्या खड़ी हो, तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? चलो आप चले। चलो ना, हाथ नहीं लगाना मुझे, चले चलो। हाथ नहीं लगाना। क्या हुआ? आगे बोलो। शुक्र है आगे। आते होंगे अभी। कहाँ, क्या हो गया? पीछे ही थे मेरे। आ गए। सलाम अलैकुम दादी जान। वालेकुम। कैसी हैं आप? बेटा माशाल्लाह, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। और मेरे तो नहीं मिली ना इस बच्ची से, जो प्यारी सी बच्ची है ये, इसका नाम है रानिया और ये हमारे माहिर की मंगेतर भी है। सलाम अलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। जी अब आंटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि तुम यहाँ आओ ना मेरे पास बैठो। जी अरे नहीं आंटी, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, शर्माती है किसी और के पास नहीं बैठती। नहीं बैठेगी। ओह क्यूट। रानिया बेटे आती रहा करो ना, तुम इस तरह से पूछ लो मैं कितना याद करती हूँ तुम्हें। बहुत ज्यादा। अरे दादी आप फिक्र ही ना करें, मैं हूँ ना, उससे रानिया को यहाँ लाना मेरी जिम्मेदारी है ना रानिया, तो हम रोज आएंगे ना यहाँ पे। जी पक्का वादा ना, पक्का वादा। जी, जी, बेटा जी। वैसे क्या बचपन में ही तुम दोनों की बातें हो गई थी? नहीं ये तो। अरे झूठ बोल रही है। अरे आंटी है, आंटी से क्या छुपाना, मैं आपको बताता हूँ, असल में हमारा रिश्ता बचपन में नहीं बहुत ही बचपन में तय हो गया था, अगर बड़े होके होता तो मैं मना नहीं कर देता। बस मंगनी अभी हमारी ताजा ताजा हुई है, आपकी दुआ चाहिए। जोक्स क्रैक करने की आदत है इनकी। ओ तो इसका मतलब आप दोनों की एंगेजमेंट बड़ों की दुआओं और उनकी रजामंदी से हुई है। जी जी, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या कर रही हो जान,
सब बड़े बैठे हैं, इनके सामने ऐसे मत घूरो, बुरा समझेंगे। वाओ, लाइक क्यूट रोमांटिक कपल है ना। ऐसा कुछ नहीं है सालिक भाई। ओह शर्मा गई। एक तो ये शर्मीली बहुत है, सबके सामने शर्मा जाती है। मैं आपको बताऊं, जब ये अपने सारे कारनामे रात में बैठकर सोचती है ना, तो बेचारी बड़ी शर्मिंदा होती है, शर्मा जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। How cute. आज के जमाने में इतनी शर्मीली लड़कियां मिलती कहाँ हैं?